क्या हाल है भाई? शुक्र। क्या हाल है? बढ़िया 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 बढ़िया। क्या हाल है? शुरुआत इसी और रोनाल्डो क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। अभी फिलहाल 9:10 टाइम है और मुझे लगता है मैं आज भी लेट हो जाऊंगा। मुझे पता नहीं क्यों, बचपन से मेरी ऐसी आदत है, मैं हमेशा सुधारना चाहता हूँ, कितना भी पहले उठ जाऊँ लेकिन साला लेट हो ही जाता है। स्कूल में भी यही हाल था, रोज़ मम्मी कूटती थी, जल्दी तैयार हो जल्दी तैयार हो तो जाता था फिर भी लेट हो जाता था, पता नहीं क्यों। रिक्शा वाला अलग बाहर आके खड़ा रहता था और मेरे वजह से सारे बच्चे लेट हो जाते थे। तो ऐसा हुआ कि फिर 7th क्लास से मैं साइकिल से जाने लगा, फिर मैं लेट नहीं होता था लेकिन आता लेट था। लास्ट ब्लॉग में आपने जो पार्टी देखी वो बस रिजल्ट आने की खुशी थी, रियल पार्टी आज होगी जो दोनों OS मिल के देंगे। O2 बिरयानी मुझे बनाना है, जी हाँ, और काफ़ी बंदे आने वाले हैं। कल रात से ही डिस्कशन चल रहा है उन लोगों में, ये तुम ये कर लेना, तुम वो कर लेना, तुम वो कर लेना। और आज हमारा PDIA सर्जरी का लास्ट क्लास है और आज फ्राइडे है, मस्जिद भी जाना है, यूनिवर्सिटी मस्जिद फिर पार्टी में जाना है शाम को। ओह एग्जैक्ट 9 में तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया डिपार्टमेंट और मैं फिर से लेट। ओ मैदी हाय, फाइन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम, सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब एंड वेलकम टू द चैनल, गुड बाय, गुड बाय। हमें लगा हम लेट हैं लेकिन हम तो टाइम पे, आज क्लास 10 बजे से। ट्राम के लिए वेट कर रहे हैं, ट्राम की सफाई हो रही है। पीडियाट्रिक सर्जरी की क्लास ख़त्म हो गई, साइकिल कंप्लीट, अब अगले साल फिर से लगेगी साइकिल 6th ईयर में। अब फिलहाल मस्जिद जाना है क्योंकि आज फ्राइडे है, नमाज के बाद आज खाना बनाना है बिरयानी। जैसे ओडिशा में 3 मस्जिद हैं जहाँ पे नमाज होती है जुमा की, एक है अफगानी मस्जिद जो यहाँ से सिटी से थोड़ा सा दूर है और दूसरा है अल सलाम जो प्रीवोज में है और तीसरा है अलमसर जो अभी जहाँ पे हमारी क्लासेस लग रही थी तो वहीं पे है। सलाम में 1 नमाज होती है और बाजार चिक में 2 नमाज होती है। बैग फ्लैट पे रख दिया है और वजू भी कर लिया है क्योंकि पापा कहते थे कि नमाज़ पढ़ने जाओ तो घर से वजू बना के जाओ तो सवाब ज़्यादा मिलता है। बातें हैं जो याद आती हैं। मैं सोच रहा हूँ बोल्ट से ही चला जाऊँ क्योंकि टाइम लग सकता है, तो सामने मुझे एक बोल्ट दिख रहा है, ये रही बोल्ट। अब नमाज पढ़ के आते हैं फिर मिलते हैं आपसे। अपन अभी बिरयानी खा रहे हैं और ये रही बिरयानी, यहाँ पे मिलती है बिरयानी, तो फ्राइडे को लंच यहीं होता है चाहे इस मस्जिद में या फिर बाजार से। मेरे साथ है रिजवी भाई, आप इनको पहले व्लॉग में देखे होंगे, और ये है इश्तियाक, इसको भी आप पहले व्लॉग में देखे होंगे। अब बाकी सफीक को तो आप जानते ही हैं, हैं सफीक? हाँ, उसको तो जानते ही हैं। सफीक तो फेमस है पूरी यूनिवर्सिटी में। तो अभी ATV जाएंगे सामान खरीदते, फिर उसके बाद घर चलते हैं, फिर आगे का तो आपको पता ही है, आज पार्टी है शाम में तो दावत है और खाना भी बनाना है। तो दोस्तों अब खाना बनाने का टाइम आ चुका है और ये मसाले कुछ खड़े और ये बिरयानी मसाला जो बिरयानी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओहो ओहो खतरनाक। यस
टमाटर आज आपको सलाद काटने का काम मिला है जी जी। अच्छा, आपको कौन सी ड्यूटी लगी है? मैं जब ये सब थक जाएंगे उसके बाद सारा कार्यभार सारा कार्यभार सुबह से काम 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 खाना आराम बस अबे इतना है ना भाई मेरे भाई। हाँ इतना गोश्त काफी है। डाल दिए पानी क्या मेहनत कर रहे हैं एकदम जबरदस्त पूरा जिम का ताकत यही निकाल दी। ये जावेद भाई हैं बहुत प्यार से लहसुन काटते हैं क्योंकि लहसुन छीलना सबसे बड़ा मेहनत का काम है और जो सबसे बड़ा मेहनत का काम है वो जावेद भाई कर रहे हैं। मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ। आप भी अच्छा काम कर अच्छा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमारे सहपाठी बिरयानी बनाते हुए। यह है बिरयानी मसाला जैसा कि हमारे राघव भाई बता रहे हैं। चौधरी प्लीज कर दे यार पता नहीं चौधरी भाई मजाक लेके आ आदित्य नमक और दही आदित्य क्यों क्यों आदित्य कहाँ पे रखा है खुद देख मुझे क्या है तू मुझे नहीं पता कल का ये किचन में किचन है नमक कहाँ था टॉयलेट में होगा तेरे नींबू भी पना मांग रही हो किसके हाथ में आ गया। हेलो गाइस नहीं रुको तो दोस्तों एक जरूरी बात जावेद भाई ने लहसुन छीला है और आम आदमी लहसुन नहीं छीलते हैं लहसुन सिर्फ लेजेंड लोग छीलते हैं ठीक है जावेद भाई। आज लाइट नहीं है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है और यहाँ पे चिकन बन रहा है और चावल इधर बन रहा है। थोड़ा चेहरा दिखाओ भाई चेहरा तो दिखाओ ये हमारे साकिब भाई हैं यूपी से मस्त खाना बनाते हैं सारा क्रेडिट इनको ही जाएगा। चर्बी लगाया जा रहा है लेयरिंग किया जा रहा है ताकि नीचे से चावल ना जले। हाँ बस वीडियो बना रहे हाँ अल्लाह आपसे क्या कसाई लग रहा है कुछ नहीं होगा वो डाल कितना मार दिया देखो इधर देखो हाँ एक दो तीन चार पांच और पांचवा वेट रखने के लिए भाई बाहर से पत्थर लेके आए हैं पत्थर को धो भी दिया है कि पत्थर पाक हो जाए। पूरे सेंटर पे लाइट है लेकिन जहाँ लाइट होना चाहिए वहाँ लाइट नहीं है। आज हमारा बिरयानी का दावत है खाना बन रहा है लेकिन वहाँ लाइट नहीं है क्योंकि उस वाले पीछे वाले एरिया में लाइट कटी हुई है और ये देखो पूरा सेंटर जगमगा रहा है। ओएस भाई इतना काम कर रहे हैं मुझे देखा नहीं जा रहा मोमबत्तियाँ जला रहे हैं चारों तरफ अनबॉक्सिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तेरा ट्रांसफॉर्मेशन बाद में आ गया बड़ा डिफरेंट जमीन आसमान के अल्लाह ऐसा तो समंदर के अल्लाह आयशा फर्श के अल्लाह ऐसा रे कायनात के अल्लाह ऐसा सुरैया के अल्लाह ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ऐ इसहाक अलैहिस्सलाम के अल्लाह ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम के अल्लाह ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम के अल्लाह ऐ मीकाईल अलैहिस्सलाम के अल्लाह
ऐ अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं अल्लाह इन सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबसे अल्लाह दुनिया में भी अल्लाह खैर का काम ले ले, अल्लाह आखिरत में भी कामयाब कर दे। ये अनीक, ये है दानिश रसूल, और ये है हमारा खाना। कुछ कम पड़े तो मुझे याद कर लेना, ठीक है। ये कुछ बंदे यहाँ से खाने के बाद इधर शिफ्ट हुए हैं, सुबह से भूखे। इसने तो दो केला खाया था बस। आपने क्या खाया था? चाइनीज फूड घर ले गए थे, बस एक ब्रेड। ओह माय गॉड, 12 बजे खाना मिल रहा है इन लोगों को रात में। वीडियो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? फिरोज भाई हम आपको मिस करेंगे। मैं सबसे ज्यादा ओडिशा में किसी को मिस करूंगा तो फिरोज भाई। इंडिया जाए ऐसे सारे टुमारो, कल कल 2 o'clock, कल 2:45 की दिन की दिन की फिरोज भाई सबको जगह नहीं बताया, कल जा रहे हैं। आपने बताया मुझसे यार। आगे भाई कैसा रहा आपसे मुझे? मजा आ गया, मजा तो है। आज का दावत काफी अच्छा था, शुक्रिया। आपने बहुत मेहनत की, आपने की, आपने की, आपने ज्यादा मेहनत की, सफल रहा माशाल्लाह। जो भीड़ जा रही है ना, भीड़, ये खाना इतना खा लिया है कि सबको वोमिटिंग आ रही है। डाइजेशन के लिए सब यूनिवर्सिटी में वॉक कर रहे हैं सारे के सारे उधर तक। चलो ग्रीन हो गया माशाल्लाह, आज दावत बहुत अच्छी हो गई। हाँ शुक्र अल्लाह ताला का, थक गए बहुत, थक गए ना बहुत काम करने के बाद। हाँ काम तो सब सेकंड काम किया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, आज सब लोगों ने पेट भर के खाना खाया, एंड आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। और हम तब थक चुके हैं, अब हम कॉफी पीते हैं। तो दोस्तों व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, पार्टी भी हो गई ख़त्म। तो मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Okay, hi guys, we just had a good time and we had some food and then we have been cooking all day. So and they told me to give credit, so I cooked all day. I did everything. They all just came to eat. So they all, yeah, everyone came to eat. I cooked everything, so they all came to eat. काफी अच्छा मेहनत का काम किया आज ओवेस भाई ने। काफी लोगों को बुलाया आज, लगभग 50-60 बंदों को खाना खिलाया। डाल दूंगा कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना भाई मेरी कल फ्लाइट 30 बजे ने, मैंने कहा कि फ्लाइट से पहले करा लो इंतजाम, तो भाई ने मेरी वजह से कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इसने इतनी मेहनत की, उसी में जिम भी गया है 2 घंटे। अरे भाई लिवर क्रॉसन में भी बैठा है, और ये भाई पूरे 24 घंटे पार्क रहे, 1.5 घंटे कॉफी भी पिया भाई, 5 मिनट बोल के। और इसका कॉफी का ऑर्डर नंबर था 39, है ना? ऐसा लगा फरिश्ते खाना बना के। माशाल्लाह, और माशाल्लाह भाई हमारे आराम कर रहे थे एक रूम में, एक ट्रक हमारे वहाँ पार्क चुका अभी जावेद चट्टान, जावेद चट्टान सॉरी।